फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न सिविल टेक एंड ट्रिक्स। तो पिछले लेसन में हमने सीख लिया था वन फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व करना प्लिंथ एरिया के लिए, और हम सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व करना सीखेंगे जिसमें हमको सिर्फ कारपेट एरिया गिवन होगा, प्लिंथ एरिया नहीं गिवन होगा। तो प्लिंथ एरिया फाइंड आउट करना सबसे पहले, तो न्यूमेरिकल पढ़ लेता हूँ मैं। प्रिपेयर प्रीलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ अ फोर स्टोरी बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग, जिसमें फोर स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग दी थी। उसका जरूरी नहीं कि हम फोर का मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ हमको हर अगर ऐसा बोलता कि हर स्टोरी के लिए अलग निकालना, तो वही ऑफिस बिल्डिंग के लिए निकालने का बोला उसने टोटल। तो हम निकालेंगे इसका फोर स्टोरी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जो प्लिंथ एरिया आएगा वो सभी का सेम टू सेम आएगा, वो सभी का टोटल का प्लिंथ एरिया कारपेट एरिया सभी का दिया हुआ है इसमें। तो ऑफिस बिल्डिंग हैविंग कारपेट एरिया, मतलब उस ऑफिस बिल्डिंग का कारपेट एरिया कितना है, 2000 मीटर स्क्वेयर। और उसी के साथ उसने क्या बोला है, विथ फॉलोइंग डाटा, मतलब उसके साथ हमको क्या चाहिए, और उसका वॉल का, अभी हमको वॉल का एरिया चाहिए और सर्कुलेशन एरिया चाहिए, क्योंकि हमको कारपेट एरिया दिया हुआ है, ना कि सीधे फ्लोर एरिया दिया हुआ है। तो हमको कारपेट एरिया दिया है 2000 मीटर स्क्वेयर। उसके साथ हमको क्या बताया कि एज्यूम करना है हमको 30% बिल्ट अप एरिया, हमको मतलब उसके साथ बिल्ट अप एरिया मतलब सर्कुलेशन एरिया उसमें ऐड करना है, और साथ ही साथ हमको क्या ऐड करना है उसमें 10% 30% ऑफ बिल्ट अप एरिया विल बी टेकन बाय द कॉरिडोर और वरांडा और स्टेयर गैस, मतलब जो भी इसके अंदर जो बिल्टअप आएगा स्टेयर वगैरह वरांडा उसका हमको 30% उसमें ऐड करना है। वो साथ ही साथ क्या बोल रहा है वो कि 10% बिल्टअप एरिया लेना है हमको जो वॉल से ऑक्यूपाइड किए, मतलब जितना वॉल ने घेरा हुआ है वो 10% एरिया है उसका जो वॉल ने घेरा हुआ है टोटल ऑफिस बिल्डिंग का। तो ये हमको पता चल गया न्यूमेरिकल से। अब हमको प्लिंथ एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, कारपेट एरिया प्लस 30% ऑफ बिल्टअप एरिया प्लस 10% ऑफ ऑक्यूपाइड बाय वॉल एरिया। और उसके साथ हमने प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है कि 950 रुपये पर मीटर स्क्वेयर है उस बिल्डिंग के लिए, प्लिंथ एरिया रेट है 950 रुपये पर मीटर स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमको प्लिंथ एरिया फाइंड आउट करना है। उसी तरह उसने स्पेशल आर्किटेक्ट ट्रीटमेंट दिया 1.5%, वाटर सप्लाई 6%, इलेक्ट्रिफिकेशन 12.5%, अदर सर्विसेज 5%, कंटीजेंसी 2.5% और सुपरविजन दिया हमको 8%। तो मैंने आपको बताया था सबसे इसके पहले वाले वीडियो में कि जो हम ये लेते हैं अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया था इसके अबाउट। तो अगर उसके आगे पीछे जाता है तो टेंशन नहीं लेना, सिर्फ उसे जो दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करते जाना है। अगर क्वेश्चन में ये सिर्फ ये दे देता है और उसका परसेंट नहीं देता है, तो उनके बीच में आप एज्यूम कर सकते हैं जो मैंने बताए थे पहले। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, हमको प्लिंथ एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले प्लिंथ एरिया क्या निकालेंगे, जो प्लिंथ एरिया है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे एज्यूम और लेट प्लिंथ एरिया इजिकल टू एक्स। तो प्लिंथ एरिया का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, वी नो डेट प्लिंथ एरिया इजिकल टू कारपेट एरिया प्लस बिल्टअप एरिया या एरिया ऑफ सर्कुलेशन प्लस एरिया ऑफ वॉल। तो हमारे पास तीनों चीज दी हुई है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, जो हमारा जो बिल्टअप एरिया है वो किसका बिल्टअप एरिया का, मतलब जो प्लिंथ एरिया है वो बिल्टअप एरिया है, क्योंकि वो रहा 30% ऑफ बिल्टअप एरिया। तो हमारा जो प्लिंथ एरिया है उसको बिल्टअप एरिया भी दिया हुआ है उसने। तो सबसे पहले हमको कारपेट एरिया दिया है 2000 मीटर स्क्वायर, प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया हमें एज्यूम किया एक्स। तो एरिया ऑफ सर्कुलेशन कितना बोला उसने, 30%। तो 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब जो हमारा एक्स है वो, और ये दिया हमको 10% एक्स का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x इजिकल टू क्या आएगा हमारा 2000 प्लस ये आएगा 0.3x प्लस आएगा 0.1x, तो x इजिकल टू 2000 प्लस कितना हो गया 0.4x। तो x वाले एक तरफ कर देंगे हम, तो इसका इधर ट्रांसफर करेंगे x माइनस 0.4x, ट्रांसफर होने पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1 में से 0.4 गए तो कितना बचा 0.6x, ये कितना आएगा 2000। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इसके डिवाइड कर देंगे 0.6 का, तो इसके 0.6 का डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलती है वैल्यू, हमको मिला 3333.33 पैसे, मतलब मीटर स्क्वायर सॉरी, हमको मिला ये इसका एरिया। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लगभग अप्रोक्सीमेट ले लेंगे हम इसको 3333 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ आ गया हमारा प्लिंथ एरिया, ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई स्टेप नंबर 1 प्लिंथ एरिया। तो अब आप उसके बाद क्या निकालते हैं, हम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि हमको पता है प्लिंथ एरिया क्या दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या आएगा। तो हम इसके बाद क्या निकालेंगे,
कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या आएगा, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाय प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया है, 950 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे हमारा 31,66,000 इसका आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 31,66,350 रुपीज़, यह आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्पेशल आर्किटेक्ट जो हमको स्पेशल आर्किटेक्ट दिया है कितना दिया हुआ वगैरह वगैरह सब निकालेंगे इसके बाद। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं स्पेशल आर्किटेक्ट, स्पेशल आर्किटेक्ट दिया हमको 1.5% और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो 1.500 मल्टीप्लाई बाय 31,00,000 तो यह हमारा लगभग 47,495 रुपये, 47,495 रुपये और 25 पैसे, यह है हमारा टोटल स्पेशल आर्किटेक्ट। स्पेशल आर्किटेक्ट आया हमारा 47,49 और 25, तो हम पैसे एज्यूम करते जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट भी हमको शायद दूसरे में पैसे निकले तो उनको पैसे से ऐड करके पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल आर्किटेक्ट के बाद कौन सा था हमारा स्पेशल आर्किटेक्ट, वाटर सप्लाई, तो नेक्स्ट हमारा वाटर सप्लाई, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम वाटर सप्लाई और सैनिटरी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वो कितना था हमारा 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हमारा 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का इसको निकालना है 6100 मल्टीप्लाई बाय 31,66,350 रुपीज़, इसका 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आया ये 1,89,981 रुपीज़ टोटल 1,89,981 रुपीज़, यह है हमारा इसका सप्लीमेंट्री और वाटर सप्लाई सैनिटरी का कॉस्ट। इसके बाद क्या निकालेंगे हम इलेक्ट्रिफिकेशन, तो हम निकालेंगे अब इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना दिया हमको 12.5% इलेक्ट्रिफिकेशन 12.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो हमको पता है मल्टीप्लाई बाय 31,66,355 रुपीज़, तो आगे हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो आया हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना आया 3,95,000, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा 3,95,793.75 पैसे, यह आया हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खर्चा। तो अब नेक्स्ट हमारे क्या बाकी था अदर सर्विसेज, तो अदर सर्विसेज कितनी दी हुई है हमको 5% अदर सर्विस, तो अदर सर्विसेज हमको कितनी दी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो 5% ऑफ इसका 31,66,350 रुपीज़ का 5% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा कितना आया लगभग 158,317 रुपये 158,370 रुपीज़ 50 पैसेस, यह हमारा अदर सर्विसेज। तो अब इससे क्या निकालेगा हमारा ओवरऑल कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते हैं ओवरऑल कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगा इन सभी का सम, तो इन सभी का सम कर लेते हैं ओवर कॉस्ट, फिर हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट 31,66,600 प्लस हमारे स्पेशल आर्किटेक्ट का कॉस्ट था हमारा, उसके बाद हमको क्या मिला था वाटर सप्लाई और सैनिटरी का कॉस्ट, उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट और उसके बाद में हमारा सुपरविजन का कॉस्ट, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं
टोटल हमारा कॉस्ट कितना है बिल्डिंग का, 39,57,000। ओवरऑल कॉस्ट 39,57,937.50 रुपीज़, इतना हमारा ओवरऑल कॉस्ट आया। तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, कंटिजेंसीज और सुपरविजन, तो भी फाइंड आउट करते हैं हम इसके बाद। हम इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, कंटिजेंसीज। तो हमारी कंटिजेंसीज कितनी दी हुई थी, 2.5%। तो 2.5% किसका है, वो ओवरऑल कॉस्ट का है। ओवरऑल कॉस्ट कितना है हमारा, 39,57,937.50 रुपीज़। तो इसका हम निकाल लेते हैं हम कंटिजेंसीज। तो हमारी कंटिजेंसीज कितनी है इसकी, 98,000 रुपीज़। इसकी कंटिजेंसी कितनी आई हमारी, 98,948 + 4.3, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे लगभग 98,948.50 रुपीज़, ताकि हमारा जो एडिशन है इजी पड़े। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सुपरविजन। तो सुपरविजन कितना दिया हमको, 8% दिया है लगभग। तो 8% किसका है हमारा, ओवरऑल कॉस्ट का। तो ओवरऑल कॉस्ट का सुपरविजन कितना आ जाएगा, क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, अब इसका सुपरविजन। तो सुपरविजन इसका आएगा 3,60,635 रुपीज़ टोटल। तो इससे हमको क्या निकालेगा, इसका हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना कॉस्ट आया ये निकालेंगे हम इसमें, टोटल कॉस्ट, सुपरविजन, ओवरऑल कॉस्ट और कंटिजेंसी का यू इसमें सम कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा हमारा, 39,57,937.50 पैसे प्लस कंटिजेंसी कितना है, 98,948 रुपीज़ + 50 पैसे, और ये हमारा कितना है, 3,60,635 रुपीज़। तो ये सबका सम कितना आएगा हमारा, टोटल कॉस्ट लग जाएगा, मतलब ऑफिस बनाने में इतना खर्चा आएगा लगभग। तो ऐड कर लेते हैं 39,57,937.50 + 98,948.50 पैसे, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या है बिल्डिंग का, 43,73,521 रुपीज़। तो यह आया हमारा टोटल कॉस्ट बिल्डिंग का। तो मतलब उस ऑफिस बिल्डिंग को बनाने के लिए इतना कॉस्ट हमको रिक्वायर्ड है। तो यह आ गया हमारा प्रीलिम रेट। तो इस तरह से हम प्रीलिम रेट भी एस्टिमेट बनाते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इस टाइप से बनाते हैं जब हमको प्लिंथ एरिया दिया हो। उसी तरह क्यूबिकल कंटेंट और सर्विस के लिए भी, इसी सर्विस कंटेंट मेथड के लिए भी इसी टाइप से हम वो बनाएंगे। तो सर्विस यूनिट मेथड के लिए भी इसी टाइप से बनेंगे और क्यूबिकल कंटेंट के लिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों टाइप के न्यूमेरिकल किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।